आज हम व्रत में खाने के लिए एक टेस्टी लड्डू बनाएंगे, जिसे आप आराम से फ्रिज में 10 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। और ये इतना फिलिंग है कि अगर आपने एक लड्डू खाकर पानी पी लिया तो 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने वाली है। तो सबसे पहले 1/2 कप मिक्स्ड नट्स को कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने काजू, बादाम और अखरोट लिया है, जिसे बस 3-4 मिनट भून के दरदरा पीस लेंगे। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालिए और फिर 3/4 कप सिंघाड़े का आटा मिक्स करेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है। 3-4 मिनट बाद इसमें से खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का डार्क हो जाएगा, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिए। इसके बाद कढ़ाई में 1/2 कप गुड़ का पाउडर और 1/4 कप पानी डाल के मिक्स करेंगे। अब गुड़ के पिघलने के बाद मीडियम फ्लेम पे बस 1 मिनट उबालने दीजिए और फिर गैस ऑफ करके इसमें भुना हुआ सिंघाड़े का आटा, भुना और पिसा हुआ नट्स, 1/2 कप नारियल का बुरादा और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के मिलाएंगे। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे भी किसी प्लेट में निकाल के बस हल्का ठंडा कर लीजिए। अभी ये मिक्सचर वार्म है तो इसके हम लड्डू बना लेते हैं। यहाँ लड्डू के ऊपर मैंने पिसे हुए नट्स डाले हैं क्योंकि इससे वो और टेम्पटिंग दिखेगा। और बस ये रेडी है हमारा नो शुगर लड्डू, जिसे आप व्रत के पहले से बना के रखिए और जब चाहे मज़े से खाइए।